देखिए अभी तक तो पहले फेज का हुआ, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, चौथे का, पांचवा फेज आ चुका है यहाँ पर। और देखिए चौथे चुनाव तक तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरी तरह से जनता एक हो चुकी है। तो देखिए भारतीय जनता बहुत पीछे जा चुकी है और अब केवल इंडिया गठबंधन ही सरकार देश में बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे जा चुकी है और इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने देखिए देश के लिए कोई काम नहीं किया था, केवल केवल इन्होंने झूठ बोला और देश की जनता को भ्रमित किया था। तो अब जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ बोलते हैं, कहीं पर भी जनता के लिए कोई काम नहीं किया है, केवल जनता को इन्होंने भ्रमित करके धोखा देने का काम किया है। तो पूरे देश की जनता इनसे नाराज़ हो चुकी है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इन्होंने देखिए जो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ा है, तो अब जनता ने महसूस कर लिया है कि देखिए यहाँ तक कि इन्होंने जितने भी वादे किए थे, एक भी वादा 10 साल की और 7 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार ने वादा पूरा नहीं किया है। तो देश देश को कमज़ोर किया है, हर तरीके से कमज़ोर किया है। तो देश के सामने बहुत संकट आ चुका है भारतीय जनता पार्टी के रहते। तो जनता ने समझ लिया है, तो जनता ने आपकी वार निर्णय ले लिया और ये चुनाव पूरा का पूरा जनता लड़ रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो प्रशासनिक पुलिस का प्रयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। तो जिस प्रकार से 400 पार का नारा है ये दे रहे हैं वो लोग, और उस साथ साथ ये कह रहे हैं कि 24 के बाद पीडीए समाप्त हो जाएगा। देखिए पहले तो इन्होंने जो 400 का नारा दिया था, अब ये 150 पार नहीं कर पा रहे हैं, अब ये बौखलाए हैं, निराश हो चुके हैं। अब क्या क्या बोलते हैं ये तो सब जान रहे हैं कि क्या क्या बोलते हैं बौखलाहट में। तो ये पूरी तरह से अब समझ चुके हैं कि आपकी वार देश में इंडिया गठबंधन ही सरकार बनाएगा। तो जिस प्रकार से राजनीति चल रही है और केजरीवाल जी की बात की जाए, गिरफ्तारी को लेकर प्रचार के लिए उनको छोड़ा गया, तो फिर इस पे तमाम आरोप लग रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए इन्होंने देखिए विपक्ष को ख़त्म करने का प्रयास किया था, देखिए संविधान को ये बदलना चाह रहे थे, लोकतंत्र को ये ख़त्म करना चाह रहे थे, केवल तानाशाही और जितने भी विपक्ष के नेता थे उन पर झूठे मुकदमे लिख करके जेल भेजने का काम किया है। बताइए कभी सुना था कि विपक्ष के नेता और जो मुख्यमंत्री हों, मुख्यमंत्री उन पर झूठा मुकदमा लगा करके जेल भेज देना? तो जनता ने समझ लिया। अब जनता देखिए जो भी केजरीवाल भी जीतेंगे, सभी सीटें देखना दिल्ली के, भारतीय जनता पार्टी हारेगी, उधर पंजाब में हारेगी, उधर हरियाणा में हारेगी, जहाँ जहाँ केजरीवाल पहुँच जाएंगे भारतीय जनता पार्टी हारेगी। अमेठी और रायबरेली सीट पर क्या रहेंगे? देखिए अमेठी में भी जो देखिए इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है वो जीतेगी, अब उनके बारे में तो क्या क्या बोलते हैं सब लोगों ने समझ लिया है, किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये लोग, तो जनता ने समझ लिया। वो कहीं पर भी इन लोगों ने विकास का काम नहीं किया, केवल भ्रमित किया है जनता को, झूठ बोल करके भ्रमित किया है, इसके अलावा कोई काम ही नहीं किया है। पूर्वांचल और आजमगढ़
देखा जाए सर बहुत महत्व रखता है, तो इसके लिए क्या आजमगढ़ में मोदी जी भी आए थे, उन्होंने आतंकगढ़ तो कहा ही, साथ कहा कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, ऐसे झूठा ये लोग विपक्ष। देखिए उनके बारे में, प्रधानमंत्री जी के बारे में सब लोग संभल लिए हैं, अब बौखलाहट में क्या क्या बोल रहे हैं, अब पूरी तरह से निराशा है भारतीय जनता पार्टी में, और जनता ने समझ लिया है केवल झूठ बोल करके गुमराह करके जनता को। अभी तक इन्होंने डबल इंजन की सरकार बोलने वालों ने कुछ भी विकास का काम नहीं किया है। तो लास्ट में आजमगढ़ के लिए क्या कहेंगे, धर्मेंद्र यादव को कैंपेनिंग के चल रहा है और क्या रुझान, क्या परिणाम रहेगा? देखिए आजमगढ़ की जनता ने तय कर लिया है, सभी वर्ग के लोगों ने, कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। दिनेश लाल यादव निरोग कहते हैं कि 1.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐसा काम किया है जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ था। वैसे तो हमें कुछ दिखाई यहाँ तो दिया नहीं विकास का काम, लेकिन ये है कि वो नरहुआ जी एक मनोरंजन का साधन है, तो देख लेना 4 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएगा तो वो ही अपना मनोरंजन करेंगे, मनोनाच गाना नरोज करेंगे, और हमारे कार्यकर्ता उनको बुलाकर कराएंगे, और हम भी हैं मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे, देखेंगे उनके कार्यक्रमों को। कितनी सीट आ रही यूपी में? देखिए समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर के उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर लड़ रहे हैं, और हमें तो लग रहा है कि 60-70 सीटें इंडिया गठबंधन जीतना चाहिए। ठीक,